तो गाइस कितने टाइम बाद जाके आज हमने सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के हाथ में किसी चैंपियनशिप बेल्ट को देखा है। आज मंडे नाइट रॉ में सेथ ने बॉबी लेस्ली को बता दिया कि अब उनका ये यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का होने वाला है। तो फिर चले गाइस वीडियो की स्टार्टिंग करते काफी कमाल के न्यूज से। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन रोमन रेंस MS धोनी को स्मैश करने वाले हैं। गाइस कुछ दिन पहले हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन का हैप्पी बाला बर्थडे था, तो पॉल हेमन ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जहां वो अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की क्या तारीफ करते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि उनके अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन रोमन रेंस इतने ज्यादा महान है कि वो क्रिकेट फील्ड में जाके महेंद्र सिंह धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और इस बात को सभी को एक्सेप्ट करना होगा। सच में गाइस पॉल हेमन क्या गजब की बातें करते हैं। कल तो वो ये कह देंगे कि रोमन फुटबॉल ग्राउंड में जाके रोनाल्डो का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वैसे गाइस पॉल हेमन ने इस बात को फनी वे में कहा था। गाइस यहाँ और भी मजा तब आता जब MS पॉल हेमन को रिप्लाई करते, लेकिन यार अपने धोनी भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते ही नहीं है, वरना गाइज यहाँ और भी ज्यादा मजा आता। वैसे गाइज आप लोग इस टॉपिक पे ज्यादा सीरियस मत होना, अपने हैप्पी वाले बर्थडे पे पॉल हेमन ने बस इंडियन फैंस के साथ थोड़ा सा फन किया है। चले गाइज अब बात करते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बारे में। आज के मंडे नाइट रॉ में सेथ ने अपने प्रोमो से ये क्लियर कर दिया कि बहुत उन्होंने कोडी और रिडल से फाइट कर लिया, अब वो उन दोनों के पीछे नहीं जाने वाले हैं, बल्कि अब उन्हें WWE में चैंपियनशिप गोल्ड चाहिए। इसके बाद गाइस बैकस्टेज सेथ अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे जहां वे बता रहे थे कि वे मंडे नाइट रॉ के सबसे बड़े फेस हैं, उनसे बड़ा सुपरस्टार मंडे नाइट रॉ में कोई भी नहीं है। इसके बाद बीच में बॉबी लेस्ली सेथ को इंटरप्ट करते हैं। वो सेथ से कहने लगते हैं कि सेथ तूने क्या कहा, तू मंडे नाइट रॉ का सबसे बड़ा फेस है, तू ये जिस तरह की कपड़े पहन के घूमता है मुझे तो यही लगता है कि तू मंडे नाइट रॉ का सबसे बड़ा जोकर है। और अगर बात करूं मंडे नाइट रॉ के फेस की तो देख जिसके पास ये चैंपियनशिप है वो होता है सबसे बड़ा सुपरस्टार। इसके बाद गाइस सेथ कहते हैं कि बॉबी तूने जो कुछ भी कहा वो सब बकवास है। इसके बाद गाइस बॉबी लेस्ली सेथ को US चैंपियनशिप के लिए एक मैच ऑफर करते हैं। बॉबी को रिप्लाई करते हुए सेथ ये कहते हैं कि हाँ चैंपियनशिप तो मुझे चाहिए, फिर वो US चैंपियन ही क्यों ना हो, चल ठीक नेक्स्ट वीक करते हैं। और देख कैसे ये चैंपियनशिप मंडे नाइट रॉ के सबसे बड़े सुपरस्टार के पास आता है। तो गाइस सच में सेथ के पास काफी बड़ा मौका है कि वो नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में नए US चैंपियन बन सकते हैं, क्योंकि अभी WWE के सबसे बड़े है ट्रिपल एच हैं। फिलहाल गाइस अभी ट्रिपल एच सेथ की जिस तरह की बुकिंग कर रहे हैं इससे ये साफ है कि सेथ अब किसी मैच को नहीं हारने वाले हैं। तो ऐसे में गाइस अगर बॉबी लेस्ली और सेथ के मैच में रिडल का इंटरप्शन देखने को नहीं मिलता है तो ये कंफर्म है कि सेथ बॉबी लेस्ली को हरा के बड़े आसानी से US चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन अगर बीच में कहीं रिडल आ जाते हैं तो फिर शायद ये कह सकते हैं कि सेथ चैंपियन नहीं बन पाएंगे। तो गाइस आज मंडे नाइट रॉ में आयो स्काई और डकोटा काय ने रखील रोड्रिगीज और अलिया को हरा के नई WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन गई है, क्योंकि अब डैमेज कंट्रोल के दो मेंबर चैंपियन बन गए हैं और अब इनके फैक्शन के लीडर बेली को भी चैंपियनशिप चाहिए। तो गाइस आज हमने मंडे नाइट रॉ में देखा कि बेली ने बियांका वेलर को एक सिंगल मैच के लिए चैलेंज किया है और पॉसिबली फैंस को ये मैच WWE के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट एक्सट्रीम रूल में देखने को मिलेगा। गाइस हमारे आज के मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट द रेटेड आर सुपरस्टार एस वर्सेस डोमिनिक था। मैच में एस ने डोमिनिक को पूरी तरह से तोड़ दिया। बीच में डोमिनिक के फादर रे मिस्टीरियो भी आते हैं, वो एस से माफी मांगते हैं कि उनके बेटे को छोड़ दो, लेकिन एस डोमिनिक पे इतने ज्यादा गुस्सा थे कि वो यहाँ किसी की भी नहीं सुनते हैं। एज रे मिस्टीरियो को धक्का दे डोमिनिक को और भी ज्यादा मारने लगते हैं। डोमिनिक को इतना मार खाते देख जजमेंट डे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और गाइस मैच के बीच में ही वे स्टील चेयर से एस पे अटैक कर देते हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने एस के पैर पे अटैक किया मुझे डर है कि कहीं एस इंजर्ड ना हो गए हो। गाइस दिन प्रतिदिन जजमेंट डे काफी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इन्हें कौन रोक पाता है। तो फिर गाइज आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो फिर गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देन तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।